हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पानी पीने के पांच ऐसे सही तरीका के बारे में जिन्हें आपको अपने लाइफ में बदलना है, यानी कि 5 स्मार्ट वेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि अगर आप इस पांच तरीकों को फॉलो करके पानी नहीं पीते तो ये पानी आपके बॉडी में फायदा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पानी आपके बॉडी में नुकसान पहुँचाने के साथ साथ आपकी मौत के भी कारण बन जाए। तो ऐसा काम क्यों करना जिससे आपकी मौत की या फिर आपकी जान की खतरा हो। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो का अंत तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज कुमार शाह, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम, एसिडिटी, मसल पेन, डाइजेशन प्रॉब्लम, दिन भर लेजी फील होना या सर दर्द जैसी हेल्थ प्रॉब्लम है तो रिसर्च के मुताबिक उसके पीछे सबसे बड़ा जो मेन रीजन हो सकता है वह है सही तरह से और सही मात्रा में पानी ना पीना। इतने दिनों से आप जानते आए हो कि पानी का दूसरा नाम जीवन है। आज के इस वीडियो से आपको पता चलेगा कैसे सही तरह से पानी ना पीने से वही पानी आपकी मौत की भी वजह बन सकती है। तो चलिए आज इस वीडियो से जान लेते हैं कि दिन में कब कब कितनी मात्रा में और कैसे और किस तरह से पानी पीने से आपके लिए उपयोगी होगा। क्योंकि ये रियलिटी है कि हम में से 90% से ज़्यादा लोग गलत तरह से पानी पीते हैं, और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है वीडियो के शुरू में मेंशन की हुई बीमारियाँ आज की डेट पर हम सब में इतना कॉमन बनने लगना। ओह गॉड, आज तो पूरे दिन भर में मैं पानी पीना ही भूल गया। बस फिर 1 लीटर का एक बोतल लेकर गटगट करके एक बार में ही आप 1 लीटर पानी पी गए। क्या आप जानते हो इससे आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ। इस चीज़ को मेडिकल टर्म में वाटर इंटॉक्सिकेशन या वाटर पॉइजनिंग भी कहा जाता है। हमारी बॉडी की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है एक बार में पानी होल्ड करके रखने की। इस तरह से अचानक बहुत ज़्यादा पानी एक बार में ही पी लेने से हमारे ब्लड में वाटर परसेंटेज बढ़ने लगता है, जिस वजह से हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्पेशली सोडियम, उस एक्स्ट्रा पानी में डिजॉल्व होने लगता है, जिस वजह से सेल्स के बाहर से अंदर की तरफ पानी घुसने लगता है और एज ए रिजल्ट स्वेलिंग होना शुरू होने लगता है। ये चीज़ जब हमारे ब्रेन सेल्स के साथ होने लगता है तब सिर दर्द, टायर्डनेस, ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम दिखाई देने लगते हैं। इस सिचुएशन को मेडिकल टर्म के मुताबिक हाइपोनैट्रेमिया कहा जाता है। अब बात यह है कि आप कैसे समझोगे कि आपके बॉडी में पानी की क्वांटिटी सही है या नहीं। आपकी यूरिन कलर ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में पानी सही मात्रा में है या नहीं। अगर आपकी यूरिन कलर डार्क येलो का होता है तो तब आपकी बॉडी में पानी ज़रूरत से कम मात्रा में होने को इंडिकेट करता है। और अगर आपके यूरिन कलर बिल्कुल ही साफ पानी की तरह होते हैं तो वह आपकी बॉडी में पानी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में होने को इंडिकेट करता है। पानी की कमी या ज़्यादा होना, ये दोनों चीज़ें हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर आपकी यूरिन कलर बिल्कुल लाइट येलो की है तो वो आपकी बॉडी में सही मात्रा में पानी मौजूद होने को इंडिकेट करता है। इसीलिए आपकी यूरिन कलर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इंडिकेटर है। इसके अलावा जब आप खड़े रहकर या आप चलते चलते अपना मुंह ऊपर की तरफ ओपन करके पानी पीते हो तब पानी के साथ साथ बहुत ज़्यादा एयर भी आपकी बॉडी में इंटर कर जाता है, जो आपके लिए एसिडिटी की भी वजह बन सकती है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक बार में 300 ml मतलब 3 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। सेकंड, पानी पीते वक्त कहीं पे शांति से बैठकर ग्लास में या बोतल में अपना मुंह लगाकर धीरे धीरे से पानी पीना चाहिए। क्योंकि जब आप धीरे धीरे पानी पियोगे तब आपके मुंह के अंदर जो एंजाइम हैं उन्हें पानी के साथ मिलकर आपके पेट तक पहुँचने का मौका मिलेगा, जो हजम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, ऑलवेज ड्रिंक वाटर स्लोली। क्या आप भी उन लोगों में से एक हो जो खाना खाते वक्त पानी पिए बिना नहीं रह सकते? आजकल तो कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिए बिना भी खाना नहीं खा पाते, वो तो और भी खतरनाक है। अगर आप भी इनमें से एक हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप भी ज़्यादातर टाइम एसिडिटी या डाइजेशन प्रॉब्लम से सफ़र करते होंगे। क्योंकि बिल्कुल जैसे हम खाने को पका कर फिर खाते हैं वैसे ही पका हुआ खाना हमारे पेट में जाने के बाद फिर गैस्ट्रिक जूस के द्वारा वह खाना डाइजेस्ट होता है। मतलब कहा जा सकता है कि पेट में जाने के बाद वह खाना गैस्ट्रिक जूस के द्वारा दूसरी बार कुक होता है, तब जाकर फाइनली वो खाना हजम होता है।
लेकिन आप सोचिए, जब आप खाना पका रहे हो तब अगर कोई आके बार बार उसमें पानी डालने लग जाए तब वह खाना क्या अच्छी तरह से बन पाएगा। खाना खाते खाते जब आप पानी पीते हो तब आपके पेट के अंदर बिल्कुल सेम घटना घटती है। पानी पीने से गैस्ट्रिक जूस की डेंसिटी कम होने लगती है, जिस वजह से खाना सही तरह से हजम नहीं हो पाता एंड एज अ रिजल्ट एसिडिटी, इम्प्रॉपर डाइजेशन और भी हजारों प्रॉब्लम दिखाई देने लगता है। तो क्या करना चाहिए? खाना खाने से मिनिमम 30 मिनट पहले और खाना खाने के मिनिमम 30 मिनट बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत ही ड्राई फ्रूट खा रहे हो तब उस वक्त आप खाते खाते एक या दो घूंट पानी पी सकते हो, लेकिन वो सिर्फ गला भिगाने के लिए। तो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, डोंट ड्रिंक व्हाइल ईटिंग। आपने शायद इससे पहले भी सुना होगा कि हमारी बॉडी 75% पानी से बनी हुई है, लेकिन हर रोज पसीना, टॉयलेट और सांसों के जरिए हमारे शरीर से 2 से 2.5 लीटर तक पानी बाहर निकल जाता है। इसीलिए इस पानी को फिर से रिस्टोर करने के लिए हमें हर रोज मिनिमम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन दिन में कब कब और किस मात्रा में पानी पीना चाहिए? सबसे पहले तो सुबह उठते ही ब्रश करना या बेटी खाने से पहले ही 300 ml यानी कि 3 घूंट पानी पीना चाहिए, क्योंकि रात भर सोने से हमारे मुंह में जो एंजाइम जमा होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, और इसीलिए इसे आयुर्वेद में सोने से भी ज़्यादा कीमती कहा गया है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही सीधे ब्रश करने चले जाते हैं, जिस वजह से उन एंजाइम को पेट तक पहुँचने का मौका नहीं मिलता। तो कल से सुबह उठते ही आपका सबसे पहला जो काम होगा धीरे धीरे करके 1 गिलास या 300 ml या 3 घूंट पानी पीना। इसके बाद आपको सुबह ब्रेकफास्ट करने के 30 मिनट पहले और ब्रेकफास्ट करने के 30 मिनट बाद 300 ml करके टोटल 600 ml पानी पीना होगा। बिल्कुल इसी तरह दोपहर को भी लंच करने के 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद और रात को भी डिनर करने के 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद 300 ml पानी पीना होगा। यह सिंपल रूटीन फॉलो करने से ही आप रेगुलर 2 लीटर तक पानी पी सकते हो, जिससे कि आपको खाना खाने के 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद पानी पीने की बात याद रहे। इसीलिए आप अपने मोबाइल फ़ोन का अलार्म क्लॉक भी यूज कर सकते हो या वाटर रिमाइंडर नाम के इस ऐप को भी यूज कर सकते हो। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, फॉलो वाटर ड्रिंकिंग रूटीन। पानी पीने की जैसे सही वक्त है वैसे ही कुछ वक्त ऐसे भी है जब आपको कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। उनमें से नंबर 1 तो है खाना खाते समय, नंबर 2 टॉयलेट करने के तुरंत बाद ही आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारी कुछ मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, जिस वजह से ज़्यादातर पानी बॉडी में किसी काम में ना आकर फिर से बाहर निकल जाता है एंड एज ए रिजल्ट बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। एंड नंबर 3, रात को सोने से पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आधी रात में टॉयलेट जाने की वजह से नींद से उठना पड़ सकता है, जो आपकी स्लीप साइकिल को नुकसान पहुँचाता है। तो इसीलिए रात को सोने से मिनिमम 1 घंटा पहले थोड़ा सा ही पानी पीना चाहिए। एंड नंबर 4, इंटेंस एक्सरसाइज या जॉगिंग करते वक्त या करने के तुरंत बाद ही बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट करने से पसीने के जरिए बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलरेडी हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा पानी पीने से बॉडी के बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स भी उस पानी में डिजॉल्व होने जाने की वजह से टायर्डनेस, वोमिटिंग ये सब दिखाई देने लगता है। इसीलिए इसमें पानी पीने के बदले ग्लूकोज डी जैसी कोई ड्रिंक पीना चाहिए, जिससे आपके बॉडी में सिर्फ पानी नहीं बल्कि उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिस्टोर हो सके। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 4, अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर एट रॉन्ग टाइम्स। क्या आप भी उनमें से एक हो जो गर्मी में किसी भी जगह से घर लौटकर सीधा फ्रीजर पर जाकर हमला करते हो और वहां से बर्फ की तरह ठंडा पानी निकालकर गटगट करके पी जाते हो? तो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी कई बार सर्दी और डाइजेशन प्रॉब्लम से भुगतना पड़ता है। इसके अलावा आप ये जरूर जानते होंगे कि हमारी बॉडी की एक सही टेम्परेचर होती है। बर्फ की तरह ठंडा पानी पीने से उस टेम्परेचर को सही रखने के प्रोसेस में रुकावट पैदा होता है एंड एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने में भी प्रॉब्लम दिखाई देने लगता है। तो क्या करना चाहिए? हमेशा नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। जैसे कि योगी कल्चर के मुताबिक हमें हमेशा अपनी बॉडी के टेम्परेचर से मैक्सिमम 4 डिग्री कम या ज़्यादा टेम्परेचर के पानी पीना चाहिए। पानी का टेम्परेचर अगर इससे ज़्यादा या कम होते हैं तो वो हमारे बॉडी में फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 5, ऑलवेज ड्रिंक रूम टेम्परेचर वाटर।
तो चलिए आखिर में फिर से एक बार जल्दी से इन सारे स्मार्ट आइडियाज को एक स्कीम के अंदर देख लेते हैं। नंबर वन, हमेशा धीरे से और एक बार में थोड़ा सा ही पानी पीजिए। नंबर टू, खाना खाते वक्त पानी मत पीजिए। नंबर थ्री, सही वक्त और सही क्वांटिटी में पानी पीने के लिए एक रूटीन फॉलो कीजिए। नंबर फोर, गलत वक्त पे पानी मत पीजिए। एंड नंबर फाइव, हमेशा रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। जैसे कि किसी ने कहा है, ड्रिंक राइट अमाउंट ऑफ वाटर, योर स्किन, योर हेयर, योर माइंड एंड योर बॉडी विल थैंक यू। अब आ रही है लास्ट वीक मोस्ट मोटिवेटेड कमेंट की। हरिलाल अधिकारी एंड सीता बानिया जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया फीडबैक देने के लिए। हमें खुशी है कि हम आपको मदद कर पाए। गाइज, ये वीडियो अपने फैमिली या अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी सही तरीके से पानी पीने की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल सके। और इसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड टिप्स पाने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।